News 18, India. किसान आंदोलन की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। आज सीबीएसई की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी और जिसे देखते हुए सीबीएसई ने परीक्षार्थियों को समय से घर से निकलने और मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को सुबह 10 बजे से पहले पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज से सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो जाएंगी और ऐसे में सीबीएसई की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि आप अपना जो सेंटर है उस पर 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं। समय के अनुसार आप मेट्रो पकड़ें। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं, पब्लिक व्हीकल से आ रहे हैं, देरी होने के बाद आपको जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां एंटर नहीं होने दिया जाएगा। हमारी भी छात्रों से अपील कि आप समय रहते अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच जाएं। और आज क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनके घर से अगर कोई ऐसा बच्चा जो 10वीं या 12वीं का एग्जाम देने जा रहा है सीबीएसई बोर्ड का, तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट उन सभी को। आपका पेपर अच्छा रहे, अच्छे से आप अपना एग्जाम दें, लेकिन समय के अनुसार निकले, समय देखते हुए, ताकि आप समय पर 10 बजे से पहले पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाए। तो देखिए, सीबीएसई की तरफ से ही अपील की गई है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। सीबीएसई ने छात्रों को यह सलाह दी है। सीबीएसई ने किसान आंदोलन की वजह से छात्रों को घर से जल्दी निकलने की सलाह दी है। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि छात्र समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि 10 बजे के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। राजस्थान में मुस्लिम समुदाय की आपत्ति के बीच आज सूर्य समाप्ति के मौके पर राजस्थान के सभी स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा। सभी स्कूलों में एक साथ सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार होगा। इस बीच मुस्लिम संगठनों ने सभी मुस्लिम अभिभावकों से अपने बच्चों को आज स्कूल नहीं भेजने की अपील की है। लगातार आपत्ति दर्ज उनकी तरफ से करवाई जा रही है, क्योंकि आज से सूर्य नमस्कार हर स्कूल में होगा। ये यहाँ के शिक्षा मंत्री की तरफ से आदेश दिए गए हैं, लेकिन मुस्लिम संगठन यहाँ पर सूर्य नमस्कार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार पर घमासान यहाँ पर मचा हुआ है। मुस्लिम संगठनों ने सूर्य नमस्कार का बहिष्कार किया है। राजस्थान के स्कूलों में आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार होगा, लेकिन इस बीच जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो आज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। लगातार मुस्लिम अभिभावकों से यह अपील की जा रही है कि वो आज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजें। मुस्लिम संगठन सूर्य नमस्कार को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। उनका ये आरोप है कि कोई भी धर्म की या कोई भी ऐसी चीज जो है वो दूसरे धर्म पर थोपी नहीं जा सकती, और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम संगठन समुदाय जो है आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। सूर्य को नमस्कार करना है, इसी पर कहर बरपा हुआ है राजस्थान में। सियासत हो रही है जमकर, और इन सबके बीच में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सूर्य नमस्कार पर मुस्लिम समाज की आपत्तियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों को काल कोठरियों में छुप जाना चाहिए। सूर्य भगवान का प्रकाश लेना बंद कर दे, एक काल कोठरी में घुस जाए ताकि सूर्य की किरणें पड़ना पड़े। जिसका अन्न खाते हो, जिससे लाभ प्राप्त करते हो, जिससे जीवित रहते हो, उसमें आपको आपत्ति है? मैंने तो किसी को नहीं कहा तुमको सूर्य नमस्कार करना। मैंने तो निवेदन किया है, प्रार्थना की, लेकिन विद्यालयों में मैंने कहा है, शिक्षण संस्थाओं में कहा है कि सरकार के आदेश मानना पड़ेगा। सरकार का आदेश है कि सब विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।